हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ekta singh.com। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ओनियन बोंडा बनाना बता रही हूँ। तो ये साउथ इंडियन डिश है और इसे बहुत ही आसानी से घर पर बनाया जा सकता है। उससे पहले भी कुछ दिन पहले मैंने आपको रवा बोंडा बना के बताया था, वो भी यूपी टच में, लेकिन ये डिश मैं जैसे साउथ इंडियन में ही बनता है सेम टू सेम वैसे ही बनाना बता रही हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक बटन है उसे क्लिक कीजिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, सोशल मीडिया पर। तो आइए देखिए कैसे बनाते हैं ओनियन बोंडा। ये देखिए, ये मैंने बड़े कटोरी चना का आटा लिया, यानी कि ग्राम फोल लिया है, और एक छोटी कटोरी देखिए मैंने चावल का आटा लिया है, यानी कि राइस फ्लोर लिया है, और ये मैंने 6 प्याज लिया है, उसको कट करके ले लिया है। ये मेरे पास कड़ी पत्ता है, धनिया पत्ता है, और ये मेरे पास लाल मिर्च, रेड चिली और टर्मेरिक, हल्दी, नमक, और ये खाने वाला सोडा, हींग, और ये तेल है। तो सबसे पहले देखिए, मैं ये चने के आटे में जो चावल का आटा है वो मिक्स करूँगी। अगर आप चाहें तो पोहे का भी आप अच्छे से पीस के उसको भी यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत टेस्टी आता है। तो ये मैं इसमें अब पहले मैं प्याज इसमें ऐड कर रही हूँ, जो मैंने रफली कट कर लिया है। हम लोग के यहाँ देखिए अक्सर जब पकौड़े बनता है ना तो प्याज जब डालते हैं, तो अगर आप भी देखिए, ये छोटी ट्रिप है मैं बता रही हूँ, तो प्याज के साथ कुछ प्याज पीस के भी डालेंगे तो वो पकौड़ा का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ओनियन बोंडा है तो जैसे बनता है सेम वैसे ही बनाया। मैंने धनिया का पत्ता ऐड कर दिया, कड़ी पत्ता, और साथ में मैं लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। 1 बड़े चम्मच मैंने लाल मिर्च ऐड कर दिया है, और ये टर्मरिक हल्दी पाउडर भी मैं 1 चम्मच यूज कर दे रही हूँ, और ये गरम मसाला, तो ये मेरे पास गरम मसाला ऐड कर दिया, और ये है खाने वाला सोडा। तो इससे क्या होगा, ये बहुत ही फुला फुला बोंडा, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बोंडा बनेगा। और ये मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, 1.5 चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिया है अपने टेस्ट के हिसाब से, और ये हींग मैं इसमें मिला दी हूँ। ये बहुत ही आसानी से बनता है, इसे कोई भी बना सकता है। और इस तरह मैं इसको धीरे धीरे सब मिक्स करूँगी और पानी की सहायता से मैं इसका एक अच्छा सा घोल तैयार करूँगी, जो ज़्यादा न गीला हो और न ही टाइट। देखिए इस तरह का घोल मुझे चाहिए, ये देख लीजिए, ये देखिए ये घोल मेरा एकदम अच्छा तैयार हो चुका है। अब मैं उधर तेल रखूँगी गैस ऑन करके, और जब मेरा तेल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें ये बोंडा इसको फ्राई कर लूँगी। तो हम लोग देखिए, मैं पहले चेक कर रही हूँ कि तेल अच्छे से गर्म है कि नहीं। तेल अच्छे से गर्म हो चुका और मैं ये बोंडा इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। इस तरह मैं गोल गोल इसको डालूंगी, और ये इतना बड़ा बड़ा, क्योंकि मैंने वो खाने वाला सोडा डाला है तो ये अच्छे से फूल के आएगा, काफ़ी सॉफ्ट और फ्लॉपी हो जाएगा ये। तो इस तरह मैं सारे बोंडे को डाल दूंगी ऑयल में। खाना बनाना एक कला है, अगर आप थोड़ी कुशलता से व्यंजन बना रहे हैं तो आपका जो खाना है बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा बनता है, और आप बहुत सारी तारीफें पाएंगे। तो इस तरह मैं सारे बोंडे को मैंने डाल दिया है, और जब ये एक साइड से थोड़ा सा अच्छे से पक जाएगा हल्का सा, तब मुझे इसे इसे आगे से थोड़ा थोड़ा चला के, इसको हिला हिला के, उलट पुलट करके इसको सेकना है। तो ये क्या होगा, ये फूलेगा भी। तो मैंने बताया कि खाना बनाना एक कला है और थोड़े धैर्य की ज़रूरत होती है, और इस तरह मैं उलट पुलट के इसको अच्छे से पकाऊंगी ताकि ये अंदर से अच्छे से पक सके। तो देखिए इसका कलर भी बहुत ही सुंदर दिख रहा है, और इसको मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी ताकि जो नहीं पका है वो अच्छे से मतलब पक सके चारों तरफ से। तो मैंने बताया कि खाना बनाने में थोड़ा धैर्य चाहिए अगर आपको टेस्टी और अच्छा खाना खाना है। तो ये अब मेरा बोंडा एकदम अच्छे से पक चुका है, और मैं इसको प्लेट में अब निकालूंगी।
देखिए एकदम रेडी हो चुका है। मैंने इसमें जो गैस का फ्लेम है बहुत ही लो रखा है कि एकदम आराम से ये पके, और ये अब मैं इसको प्लेट में से निकाल लूंगी। इस तरह मैं सारे बुंडे को निकाल के और प्लेट में रख लूंगी और दूसरा वाला हिस्सा भी मैं अब डालूंगी। देखिए अब मैं दूसरा वाला ये बुंडा इसमें ऐसे डालूंगी। मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जैसे आप चने का आटा इसमें डाल रहे हैं और चावल का आटा डाल रहे हैं, तो कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, साउथ इंडियन में कुछ लोग मैदा भी डालते हैं, तो आप इसमें मैदा डाल सकते हैं, पोहे का आटा भी डाल सकते हैं। तो आप अपने जैसा आपको टेस्ट पसंद है उस हिसाब से आप जो अपने टेस्ट के हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, थोड़ा रवा डाल सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा बनता है। और इसको भी मैं उलट पुलट के आगे पीछे करके अच्छे से पकाऊंगी। देखिए खाना बनाना, मैंने बताया ना खाना बनाना एक कला है, तो इसको इसमें धैर्य की ज़रूरत होती है। तो इस तरह मुझे इसको सारे को उलट पुलट के अच्छे से पका लेना है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आगे की वीडियो में छोटे छोटे जो ट्रिप है वो मैं अपने डाल सकती हूँ कि जैसे आप लौकी का कोफ्ता बनाते हैं, तो हम लोग अक्सर जैसे कोफ्ता बनाते हैं तो उसमें भुना हुआ बेसन जो है अगर हम डाल रहे हैं कोफ्ते में, तो उसका जो है टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो छोटी छोटी मेरी ट्रिप है, आप ट्राई करिएगा। तो मैं ऐसे खाना बनाते समय आपको बताती रहूँगी अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो। तो ये मेरा टेस्टी बोंडा देखिए एकदम बन के रेडी हो चुका है। तो बताइए मेरा ओनियन बुंडा कैसा लगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी ट्रिप देखनी है तो प्लीज़ मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।